कहाँ जाएंगे बाबू, हमें घर बाल बच्चा बोल रहा है कहाँ जाएंगे पीड़ित साहब बाबू, कहाँ जाएंगे हम, डीएम कर गए, डीएम भी कुछ नहीं बोला, क्या करें झोपड़पट्टी में है। और आज यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा झोपड़पट्टी में जितने बने हुए मकान थे वो तोड़ दिया गया है और ये गरीब असहाय लोगों का को बेघर कर दिया गया है। जहाँ डीएम साहब गरीबों के बीच जाकर कंबल वितरण कर रहे हैं और ये कपकपाती ठंड जहाँ पे 8 डिग्री और 9 डिग्री के आसपास तापमान बताई जा रही है, उस वक्त यहाँ पे जितने गरीब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, और यहाँ पे एक महिला ऐसी है जो एक छोटे से नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई है। मैं आपके नाम क्या हुआ, क्या मजबूरी है आपकी? मजबूरी यही है कि सरकार को देखना चाहिए था कि ठंडा का सीजन है, इसमें छोटा लड़का है, सब कहाँ जाएगा, अभी तोड़ दिए घर को, हम बेघर हो गए हैं, बच्चे को लेके हम ठंडा में बैठे हुए हैं, सरकार एक तरफ कम्बल बांट रहे हैं गरीब लोग को तो एक तरफ जी घर उजाड़ रहे हैं। आप से मिलने के लिए इस मुसीबत की घड़ी में कोई आए? कोई नहीं आया है, तोड़ के चला गया है, कोई नहीं आया है घर में, कोई नहीं कुछ नहीं आया है, कैसे है कैसे नहीं, बच्चा घर तो तोड़ के चले गए, सबको तो ये हो गया, घर बेघर हो गया, सब तो रो रहा, छोटा छोटा बच्चा सब तो बैठा हुआ, देखिए बेटा छोटा बिस्किट कपड़ा लत्ता सब इन्होंने उन्हें फेंका हुआ है। सरकार से आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि मेरे को घर तोड़े हैं, मेरा घर दीजिए, जिस समय में हम घर बनाए थे उस समय में आप कुछ नहीं किए थे, जगह रह रहे थे अच्छे से, लाइन दिए आप, पानी दिए, सारा चीज दिया, जब आप रहने लगे आप उजाड़ दिया, बस आके मेरे उजाड़ दिया, मेरे कुछ भी तो नहीं है, न हम घर के रहे, नहीं घाट के रहे, सड़क पे हम आ गए हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रिजवाना खातून है। आपका नाम क्या हुआ चाची? जयवंत खातून। क्या हुआ यहाँ पे आज? आज हम 22 साल से झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, मेरे के लिए साधन कुछ भी नहीं है, तो आज हम बाल बच्चे लेके कहाँ हम जा सकते हैं, रोड पर इतनी ठंडी हुआ है, और डीएम साहब ही गए तो कहें कि जाइए हम रुकवाते हैं, जब वहाँ गए तो हमारी गाड़ी छेक रहे हैं, इन्हें छेक रहे हैं, प्रशासन टेल रहा है, हम भी प्रशासन के टेले, अभी कोई सुनवाई नहीं कि 4 फरवरी के आओ जागा टूटने के लिए। इस मुसीबत के घड़ी में कोई नेता आप से मिलने के लिए आए? कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, किसी ने कुछ नहीं सुना, अपना से आप कोई प्रशासन ठेके नहीं दे रहा है, सरकार से आपकी क्या मांग है? कोई नहीं, सरकार के मांग है कि मेरा कुछ भी मत दीजिए, जिसमें हम है उसमें हम रह सकते हैं, बस बस हम जैसे हैं। क्या यहाँ पे आज हुआ है? सब का गरीबों का झोपड़ी उजाड़ दिया गया, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे है, किस तरह की यह है, शीतलहरी है, एक मुर्गी का बच्चा, एक बकरी का बच्चा पोसता आदमी उसको हिफाजत से रखता है, इंसान का बच्चा है आकर के देखिए तो किस तरीके से ठंडे में है, आदमी भी है, जवान भी है और बच्चा भी है, सुबह से हम लोग पूरा जाफरगंज के आदमी खाना पानी नहीं खाया, क्या है अपने झोपड़ी में पड़े हुए हैं, हमको उजाड़ने से आज आज ठंड के रात कहाँ आप लोग रहेंगे? आज यही तो हम लोग भी कह रहे हैं कि कहाँ गुजारेंगे, ये भी तो गर्मी भी रहता तो आदमी खा पका करके रोड पर सुत रहता, ये गर्मी में कहाँ, इस ठंडे में कहाँ रहेगा आदमी। सरकार से आपकी क्या मांग है? है कि जैसे हम से रह दीजिए, हम लोग कुछ मिलान से बस, और क्या मांग, और सरकार कोई नेता एक बात नहीं सुना है आदमी का, कुछ नहीं, फरजाना खातून नाम है, जैसे बस झोपड़ी में रहते छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, हम इतने साल से हम अगर हम कहाँ जाए, मैं ना घर है ना दरवाजा, हम जैसे थे अपने दाल रोटी खाते थे, सरकार से हमको यही मांगे कि जैसे वो उजारे हैं वैसे हमको कहीं पर बसिंदा दे दें, बसा दें, बस हमारे यही शुक्रिया अदा है। आपका नाम क्या हुआ, बनाएंगे कहाँ, क्या हुआ आज यहाँ पे? एक दाना ना खाए, तबीयत खराब रहता है, हार्ट की बीमारी है,
तापर में भी कोई नहीं आया है यहां पर यहां कोई नहीं कोई सुना नहीं नेता कोई मुखिया कोई नहीं आया वोट देवे ला घर खा रहा था लेकिन वोट देवे ला था कि हम वोट नहीं है तो घर में यार काम देख रहा लाओ कहता है आज गाड़ी कहां गया वोट लेवे ला की क्या हुआ आया सब तोड़ताड़ कर उजाड़ के सब चल गए कोई सुना नहीं कोई सुना नहीं कोई कुछ कुछ पूछवाल कुछ नहीं है आके देखिए अरे अपना नी दुकान ने कवार दिया उजाड़ दिया अपना कोई नेता कोई मुखिया थे आप अभी इस वक्त जो कड़ाके की ठंड बिहार में गिर रही है और तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरी हुई है। इस 8 डिग्री के सेल्सियस पे यहाँ पे ये सब गरीब लोग इस खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है और सरकार के तरफ से अभी तक कोई भी इन गरीबों के बीच नहीं पहुंचे है और ना भी इनके पास आश्वासन के लिए अभी तक कोई भी बात बोली है। कैमरामैन तमन्ना शेख के साथ मैं मोहम्मद फहीम हुसैन जहानाबाद। कहाँ जाएंगे बाबू हमें बाल बच्चा बोल रहा है कहाँ जाएंगे बाबू कहाँ जाएंगे हम डीएम कर गए डीएम भी कुछ नहीं बोला क्या करें यहाँ करके तला दर दना दन तोड़ना स्टार्ट कर दिस बेटा अब कहाँ जाएंगे हम अब बोलो तो ही लोग कहो तो नहीं तो वही नोचवा लावे तो वही में जाकर तो कूद के भर जाएंगे अब क्या करेंगे यही मंजूर है तो क्या करेंगे आप लोग किसे मिलने के लिए कोई नहीं आया कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई माय के लाल जन्म नहीं लिया मिलने के लिए हम कोई नहीं अभी कम्बल बांटा था डीएम साहब घर के घेराव मार देंगे वो अभी क्या बड़ी बड़ाई के काम कर रहे कम्बल बांट रहे लीजिए गरीब लोग के सहारा दे रहे ये आज कुत्ता के खड़ी बना दिया ये कुत्ता ये नट गुलगुलिया वाला भी रहता था तो उनका तो बड़ी सबके नाक गिरता था कि नट गुलगुलिया सब बस गया झोपड़ी में आज झोपड़ी नट गुलगुलिया झोल गया आज बहुत अच्छा लगा बहुत मजा बहुत अच्छा। आपका नाम क्या हुआ क्या हुआ यहाँ पे यहाँ पर आए सब लेके सब यहाँ गरीबों के तोड़ने के लिए दो चार दस बीस घर कम्प्लीट टूट गया है हम लोग का रहने का भी व्यवस्था नहीं है हम लोग सब कुछ फट पर अभी है जितना जिधर ठंडा में गुजार रहे हैं इन लोग का क्या सरकार की क्या जरूरत थी बीच बीच में तोड़ने की क्या व्यवस्था थी कि ऐसे तोड़े अब जगह के गरीबों के नजर रास्ता दिए कि हाँ यहाँ रहो सहो। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रशीद अंसारी नाम है।